शोहर इमामत का अहल है, इमामत की शरायत उसके अंदर पाई जाती है, बाशरा है, तो इस सूरत में अगर वो इमामत करता है और औरत जोजा उसकी उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ती है तो पढ़ सकती है, औरत पीछे खड़ी हो जाए, मर्द आगे खड़ा हो जाए और वो जमात के साथ नमाज पढ़ लें तो इंशाअल्लाह उनको जमात का सवाब मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि मर्द वहाँ जमात करवा रहा है तो क्या मस्जिद महल्ला की जमात उला उस पर वाजिब है या नहीं। अगर मस्जिद महल्ला की जमात उला उसके पर वाजिब है तो फिर सूरत में उसको छोड़कर घर में नमाज पढ़ने की वजह से वाजिब का तारिक कहलाएगा, गुनाहगार कहलाएगा, इस सूरत में उसके लिए सवाब नहीं बल्कि गुनाह होगा। और अगर मस्जिद महल्ला की जमात उला वो उस पर वाजिब नहीं है, चाहे इमाम के अंदर इमामत की शरायत नहीं पाई जाती, या मस्जिद घर से ज़्यादा दूर है, या वो खुद माजूर है, या कोई ऐसी मजबूरी पाई जाती है जिसकी वजह से वो मस्जिद में जा नहीं सकता, तो फिर इस सूरत में अब अगर घर में जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, इंशाअल्लाह जमात का सवाब भी मिलेगा और जो है वो नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी।